हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सबक जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबके दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज अभी आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट हो चुका है और अभी आज का दिन जो स्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, अच्छा खाएंगे, दिन भर अपना ख्याल रखेंगे और टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे। आज है 24 फरवरी 2023। मेरी थायराइड की दवा ना ऊपर रखी थी, इसलिए मैं दवा खाने ऊपर आई थी। हम लिफ्ट से नहीं जाके, हम सीढ़ियों से जाए। ब्लैक कॉफी, क्योंकि अब मुझे वॉक शुरू करनी है। वॉक शुरू करने के लिए बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे पानी गर्म करने का बर्तन नहीं दिख रहा है। वैसे हमने चाय बनाने वाले तो दो बार लिया है, इधर भी नहीं है। ओहो, यहीं पे ही रखा हुआ था। लाइटर तो उस वक्त लिया ही नहीं था, गैस कैसे जलाएंगे, इंडक्शन में रखते हैं। अब मुझे लग रहा है ये बर्तन चलेगा नहीं, क्योंकि एक बार और नहीं चल रहा था। तुम प्लीज चल जाना भैया, कॉफी पीनी है, वॉक भी करना है। आप सब सोच रहे होंगे कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस है और कॉफी क्यों पी रहे हैं। हमें पता है कॉफी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं दिन भर में बस एक बार अभी थोड़ी सी पीऊंगी। इतना तेज चलने के लिए, वॉक करने के लिए, इतनी देर के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, और जो कि बिल्कुल नहीं है। चलो कम से कम आज ये कैफे सवा जो है वो ओपन तो हुआ। ये गुल क्यों नहीं रहे? We have to strain this coffee. पूरी कॉफी ठंडी हो जाएगी कसम से। ये कॉफी तो एकदम चाय पत्ती की तरह छन गई है। एक कप कॉफी बनाने के लिए कितना मैसी कर दिया। बिल्लू जी, इतने दिनों बाद ऑन ही नहीं हुआ। जब स्विच बंद है तो कैसे ऑन होगा। बिस्मिल्लाह, अल्लाह हिम्मत दे, अल्लाह। चलो आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू मी। फाइनली हमने आज का अपना गोल जो है वो पास कर लिया है। पहले दिन में ही जो गोल था, जो इम्पॉसिबल लग रहा था, वो हमने कर लिया है। अच्छा फील होता है। दुनिया की सारी टेंशन जो आपके मन में चल रही होती है ना, आप उसको हटा देते हो। अभी चलते हैं। आलू। इतना अच्छा पार्सल आया है आचू की तरफ से, गिफ्ट हैम्पर भेजा है। थैंक यू। वाह, इसमें तो मेरा नाम भी लिखा है। ये रहे फ्रेंड्स आचू वाले आउटफिट, इंशाल्लाह हम जल्दी पहनेंगे, पिक्चर शेयर करेंगे। इसमें फ्लेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। पंजाबी सूट पहना है, बहुत टाइम का रखा हुआ था। अभी हम आ गए हैं लोखंडवाला मार्केट में, नीलम लेस की जो शॉप है ना वहाँ पे। तो जो हमने आउटफिट्स बनवाए थे, हमने सोचा उसमें कुछ कुछ अगर कहीं पे ज़रूरत होगी तो हम ये लेसेस लगा लेंगे, तो बस हमने वही सब लिए हैं। अम्मी को हल्की वाली चप्पल लेनी है जो यहाँ पे ही मिलती है वाली शॉप पे, तो वहाँ से चल के उनको दिला देते हैं। लोखंडवाला मार्केट में मॉडर्न हील्स 2 करके ये शॉप है, जहाँ पे बहुत ही हल्की चप्पल मिलती है। अगर आपके घर में किसी को लाइट वेट चप्पल चाहिए, आपकी मम्मी, दादी, नानी या जिसको भी, तो आप यहाँ से आके ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे शूज भी हैं और भी बहुत सारी वैरायटी है। फ्लैट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, ब्राइडल कलेक्शन भी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मुझे ट्रैवल के हिसाब से ना विदाउट लेसेस वाले शूज़ चाहिए थे लाइट वेट, तो यहाँ पे एक नया पैटर्न दिखा, तो हमने सोचा ट्राई करते हैं। गिफ्ट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अम्मी ने बताया कि हम उम्रा पे जा रहे हैं, तो उन्होंने दिया। नहीं वो नहीं, अम्मी मुझे कब से कह रही थी मुझे लेके चलो, मुझे यही चप्पल, यही की चप्पल पहननी है। तो अरे नहीं हैप्पी, अम्मी सबसे ज्यादा खुश है। खैर मुझे भी आज बहुत अच्छी चीजें मिल गई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। उसके बाद अम्मी को झाड़ू की दुकान दिख गई, तो अम्मी ने झाड़ू खरीदा। झाड़ू भी आजकल कितने महंगे हो गए ना, मतलब 200 रुपए का झाड़ू आया था। उसके बाद हम निकल गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था। तो अभी हम आए हैं वाइट लामा कैफे, क्योंकि यही जगह एक लोखंडवाला में ऐसी है जहाँ पे आप कुछ वैरायटी खा सकते हैं और हेल्दी भी मिल जाता है। देखो मैंने एकदम सब्जी वाला सैंडविच लिया है। कब खत्म होंगे एग्जाम? दो दिन बाद। हेल्दी खा रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स, गाजर,
इसका एग्जाम है कंप्यूटर का, एग्जाम्स चल रहे हैं तो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखो रिजा रात में 1:30 बजे तक अपना पढ़ने में मस्त है। आज काली मामू वापस जा रहे थे तो हमने सोचा कि कुछ महर को स्कूल की चीज़ें भेज देते हैं, तो मैं और रिजा यहीं पास वाली शॉप आए थे और बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद भी रहती है, तो बस हमने यही स्कूल का बॉटल टिफ़िन बॉक्स ये सारी चीज़ें ली, कुछ पेन पेंसिल, फिर वापस आते वक्त फ्रूट्स दिख गए तो फ्रूट्स ले लिए। कितना अच्छा है, देख लंच उसके बाद दिन भर थोड़ा बिजी था। मैं और रेहान मार्केट गए थे क्योंकि हमने सोचा हमने अबाया के हिसाब से ना प्रिंट्स लिए, प्लेन नहीं लिए, प्लेन भी अच्छे लगते हैं, तो ये कपड़ा बहुत अच्छा था। और जमील भाई को थोड़ी डिजाइनिंग विजाइनिंग बताई, फिर घर आ गए। आज है 26 फरवरी, मैं आपसे आज मिल रही हूँ। आज ही थर्ड डे इस ब्लॉग का, 24th को स्टार्ट किया, 1000 ब्लॉग बनाया, 25th को कल मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, कुछ ज़रूरी काम थे वो सारे किए। आज मुझे जाना है एक स्टोर ओपनिंग में, तो हम मुंबरा जा रहे हैं, चलते हैं रेडी होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स पहले हम कोई दूसरे लोकेशन पे आए हैं और ये रहा आबिद, बहुत दिनों बाद। तो जो पहले मैंने ये आउटफिट पहना है, हम इसका रील या कुछ फोटो शूट कर लेते हैं, ये भी एक काम है। पहली बार ये जगह है, अच्छा है ना रिजा? हाँ, तो ये जगह का नाम है चार मीनार लॉन, ये मुंबरा में, मुंबरा है ना ये, इससे स्टार्ट हो जाता है मुंबरा। अच्छा, यहाँ शादियाँ भी होती है। ये किसके लिए? अकेली दुल्हन के लिए, दूल्हे के लिए? जैसे तुम बैठ के देख लो कैसा लगता है। अभी हम चलते अपने दूसरे काम की तरफ, काफी अच्छी लोकेशन थी, उम्मीद करते हैं फोटोज और वीडियोस जो है वो अच्छा आएगा। अरे वाह, आपने दिखा दिया, तो ने फोटो भी लगाई है। जैसे कोई वो क्या बड़े लोग आते हैं ना। अरे वाह, हमारे आपा बड़ी नहीं है, वो भी है पीछे। अरे हाँ, ओपनिंग सेरेमनी। एक जन की कमी वैसे आए नहीं हो, वो वहाँ पे ही है, ये गलत बात है। आ जाएंगे जी, वैली के ओनर भी हैं। अच्छा, ये कंपाउंड ही नहीं का फुल बिल्डर। तो अभी हम यहाँ राणा फैशन की जो शॉप है जो आज ओपन हुई है उसमें पहुँच गए हैं, और अभी हम देखते हैं यहाँ का कलेक्शन। बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। रहे तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। ये है जो यहाँ के ओनर है, और बहुत टाइम से हम साथ में कोलैबोरेशन करते हैं। इनके जो सूट्स है वो आप देख चुके होंगे, मैं पहनती रहती हूँ, लेकिन स्टोर जो है वो आज यहाँ पे मोहरा के लिए फाइनली मैंने स्टोर कर दिया है, कि इंस्टाग्राम पे इतना फ्रॉड होता है तो लोग बोलते हैं आएगा ना पक्का पार्सल आएगा। हाँ, ऐसे बहुत बार ऐसे पेजेस से हुआ है जिन्होंने चीट किया है, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन करके देंगे या अनस्टिच का है, रेडीमेड भी हमने कलेक्शन डाल दिया क्योंकि पाकिस्तानी लुक नहीं आता। लुक तो बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसे कपड़े ले लेते हैं, लेकिन जो लुक आता है ना वो स्टिचिंग से आता है, तो वो नहीं आ पाता। तो अगर आपको वैसे सेम लुक चाहिए जैसे आप देखते हैं लोगों को, तो आप यहाँ से स्टिच भी करा सकते हैं। वाइट वाला काफी पसंद किया था लोगों ने, वापस रीस्टॉक हुआ है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अच्छा।
केक आपने बनाया है, आपके पेज का नाम किचन रेवोल्यूशन। बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम आ गए हैं एम एम मेज़बान में। ये नया रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पे मुमरा में। इनका जो मेन ब्रांच है मेज़बान का वो बांद्रा में है और इन्होंने पार्टनरशिप में यहाँ पे मुमरा में खोला है। चलिए एंटर करते हैं और देखते हैं। जब हम एंटर हुए ना तो जो लुक है रेस्टोरेंट का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम भी आपका व्लॉग देखते हैं। मुमरा में आपका आना हुआ, यहाँ पे अलराना बुटीक की ओपनिंग थी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा, क्योंकि कितना प्यार मिला। मुमरा हम लोग एक बार शायद पहले आए शादी के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे मास्टर जी रहते थे एम्ब्रॉयडरी। मुमरा में काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग रहते हैं जी, जी, तो उससे आए थे। लेकिन आज मुमरा आना हुआ तो आज तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मैंने कोई बड़े से बड़े सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा यहाँ पे लोग मुझे प्यार करते होंगे, चाहते होंगे हम सबको। कल रात से फोन आ रहे हैं मुझे, लगा आपके जैसे पूरे इंडिया में फैंस हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आपके सब्सक्राइबर है, कैसा महसूस कर रहे हैं? वही मैं बता रही हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना प्यार भी मिला। हमने बैनर लगाए नहीं, अगर हम बैनर लगाते ना तो जगह नहीं होती, संभाल नहीं सकते। हम सनी भाई को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके साथ में, वो नहीं लाया, वो नहीं आ पाए। वो अभी इनकी थोड़ी सी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वहाँ रुके, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग कभी भी फिर दोबारा आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा सबको, दिल से थैंक यू और आपको कंग्रेचुलेशन। आपको बहुत कामयाबी दे, क्योंकि बहुत मेहनत करती है। उन्होंने देखा है कि बहुत सारे हम इतने 3-4 सालों से इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन करते हैं तो हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन इनकी तरह कोऑपरेटिव समझना, हर चीज़ को फोर्स नहीं करना, क्योंकि हम लोगों का भी एक हम लोग भी इंसान है ना, तो बहुत बार कोई चीज़ भेज के ना हम लोगों को बहुत फोर्स कर देते हैं, कुछ लोग बहुत स्ट्रेस दे देते हैं। लेकिन जैसे ये अभी मैं बीमार हूँ, कभी नहीं टाइम पे पोस्ट कर पाती या कुछ होता है तो ये समझते हैं, फोर्स नहीं करते, अप्रिशिएट करते हैं। बाकी कलेक्शन जो है वो इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, यूनिक है। कल आपको बहुत कामयाब, मतलब मुमरा वालों को आप अलराना बुटीक रिकमेंड करेंगे कि यहाँ पे आए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ओनर होता है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको उससे ही डील करना है। सामने वाला अच्छा नहीं है तो फिर बिल्कुल रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर यहाँ पे जाएं। जा आप कुछ बोलना चाहेंगे? सब अच्छा लगा। कैसे लग रहा मुमरा आके आपको? अच्छा लगा। रेहान नहीं आए, उसके डांस चल रहे हैं। तो ये क्रैनबेरी मोहितो था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत अच्छा था, खट्टा और मीठा। उसके बाद हमने चिकन पॉपकॉर्न ट्राई किए थे, बहुत ही क्रिस्पी थे, यमी थे। खा के बताओ कैसा? बहुत अच्छा लगा, मैं तो आते रहूंगा, बाजू में रहता हूँ। अभी टेस्ट करके बताओ। अच्छा, खाना हमने जितना खाया हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ड्रिंक भी अच्छा था और साथ में यहाँ पे जो इन्होंने दस्तरखान वाला सेक्शन बनाया था ये भी बहुत अच्छा था। कलर कॉम्बिनेशन, टेबल, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। अभी तक देखा नहीं है, हम यहाँ से निकलने लगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, अलराना जो है वो क्या नाम क्या है, किस तरह से रखा आपने? अलराना फैशन, मेरा नाम राना है। राना है, तो मैंने उसको अलराना का ब्रांड नेम। माशाल्लाह माशाल्लाह। किचन रेवोल्यूशन का केक भी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा था। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। आप सब बहुत अच्छे हो, हमारा प्यार दो, सलाम दो, और भाभी को ना अपनी तबीयत का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखो। बिल्कुल बिल्कुल, बाय 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 बाय। जीजू को सलाम बोलो और अल्लाह को लेकर प्लीज हमारी दुआ करो। अच्छा, मेरे को पर्सनली बाय बोलो। बाय बाय बाय। हमसे अब फिर आऊंगी, मैं जल्दी आऊंगी। बाय बाय बाय। फोटो नहीं लिया आपने? उतर ले, कहाँ पे? ऐसी कहाँ से ही ले लो ना, उतरोगे तो मुश्किल होता है। मैं ऐसे ले लेती हूँ व्लॉग। बाय, फिर मिलेंगे। बाय। बाय यहाँ पे।
सब लोग आ चुके हैं घर, 7 बजने वाला होगा ना। तबीयत सही है? हाँ। सुरमा लगा है? हाँ, क्यों अभी लगा तो आगे सुरमा भोपाली बनी आज। हाँ। अम्मा अस्सलाम वालेकुम, सही हो अम्मा? ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। अम्मी इतने सारे लोग थे, इतने सारे कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हाँ। जिनका स्टोर ओपन हुआ है ना, उन्होंने ये सूट भी दिए, सिल्की भी देते हैं अम्मी वो, और बिना सिले भी उनके पास। अच्छा। ये प्लाजो और ये दुपट्टा देखो कितना, दुपट्टा जिस तुम्हें पसंद रहते हैं। और काफी सारे लोग मिलने आए थे, और जिनका जो बिजनेस है अम्मी, उन्होंने भी अपनी सारी चीजें अभी दे दी। हम सबकी स्टोरी डालेंगे बाद में, किसी को फोटो नहीं दे पाई हूँ तो मुझे बस आप लोग माफ करना। मैं इंशाल्लाह दोबारा जल्दी मुंबई आऊंगी और आप सबसे मिलूंगी। क्या सोच रही हो भाई? तू कुछ नहीं सोच रही, कुछ खाना? पाव भाजी मंगा दे। पाव भाजी का देख के तू खुशी हो जाओ, तोरा दिख दे रही हूँ नाटा का बहुत दुआ दे तू अल्लाह का मत। यहाँ पे अम्मी काट रही है भिंडी, आज भिंडी बन रही है क्या? हाँ, पापा के लिए। और आप लोगों के लिए? हाँ, कद्दू रखा है, ये भी बहुत सबको हो जाएगा, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू। रेहान का कल हिंदी का एग्जाम है, वो पढ़ रहा है, रीजन ने अपना पहले से पढ़ लिया था इसलिए मेरे साथ चली गई। कल छुट्टी है मेरी। अच्छा, कल तुम्हारी छुट्टी है? अब अल्हम्दुलिल्लाह घर की चाय पियेंगे, चाय सुबह से नहीं पी अम्मी आज। रेहान मेरे भाई आज खुश तो बहुत हो गए तुम, तुम्हें आज शेरवानी पहनने को मिल गई है। वाओ, शुक्र है इसकी शेरवानी दोबारा काम आ गई हमें। आज शादी का इनवाइट आया है, जो भाई के दोस्त है ना राशिद भाई, नदीम भाई, तो नदीम भाई के भाई का आज वलीमा है, तो भाई तो शूट पे है, लेट आएंगे, वो नहीं जा पाएंगे, तो हमने कहा चलो हम लोग होके आते हैं। हमने कहा चलो इसका शेरवानी पहनने को मिल गई अम्मी। अच्छा, तो एक जगह जाके इतना थक गई, मैं दोबारा फिर से रेडी हूँ, क्या पहनूँ? सोची हूँ यही पहन के चली जाऊँ, सोची हूँ चेंज कर लूँ, क्या करूँ अम्मी बदल लो। रेडी हो चुकी हो फ्रेंड्स में और निकलते हैं। ये आउटफिट मैंने बहुत पहले बनाया था, जब मैंने बताया था ना मैंने शादी के कपड़े बनाए थे, तो फाइनली चलो आज पहनने का ऐसे मौका मिल ही गया। मैं बिना चूड़ियां पहन के जा रही थी, तो हमेशा की तरह बेटी का ने फिर से सेट बना के दे दिया है। क्रीम निकाली है। तो ये कैसे निकाली? अरे मैंने ऐसे पिचकाने के लिए निकाली, वो निकाली। क्रीम का ऐसे पिचका के कौन लगाता है ये बताओ? ऐसे पिचका के क्रीम निकालता है? एक हाथ से क्रीम को दबाते हैं और दूसरे हाथ से पिचकाते हैं, तो हाथ में आती वो। ये देखो, ये निकाल गया। ये क्या किया? अबे शादी में आ चुके हैं, सबसे मिल लिया, बहुत अच्छा लग रहा था। हम ज्यादा व्लॉग नहीं बना रहे, सोच रहे बनाया नहीं बनाया, उस चक्कर में हम नहीं बना रहे। यहाँ पे बाहर बहुत अच्छा एंट्रेंस है, फोटो क्लिक करने आए। चलो यार पानी पूरी खाते हैं, दांत गिर जाएगा। नहीं गिरेगा। तो भोपाल वाला फील आ रहा है, कितने सालों के बाद, 8 साल के बाद। तीखा ही देना, मिर्ची भर भर के देना इन दोनों को। मालपुआ पूरी आलू के भजिए, जलेबी भी नहीं खाती। बाद में। फ्रेंड्स, मैं मीठा नहीं खाऊंगी, तो नहीं खाऊंगी। फिर आप लोग बोलते हो कि तुम सीरियस नहीं रहती हो, और सच में तबीयत खराब है, तो मीठा नो मीठा ना, मैं बताया। अच्छा नहीं खाया ना मैंने 2 दिन से, नहीं कल आइसक्रीम खाई। नहीं नहीं नहीं, सच बोलो लोगों को यकीन कर लेते हैं। नहीं खाया। कुल्फी खाई? नहीं नहीं, इन्होंने नहीं खाया। सच बता दे, नहीं खाया, सच में इन्होंने अभी नहीं खाया कुछ दिन, अभी नहीं खाया 2 दिन से। लेकिन खा सकती है। बहुत अच्छे से आपने क्या बोलते हैं, मेहमान नवाजी। बहुत बहुत शुक्रिया सभा तुम्हारा, कि आज तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इवेंट में गई थी बताया, फिर भी तुम आए, बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब इतना टाइम निकाला, सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रिजा रेहान, तुम लोग भी आए। कह रहा मेरा फुल आउटफिट नहीं लिया, चलो दूर जाओ। कमान तुम कर सकते हो, इधर देखो, इधर देखो। यस चलो तुम्हारा आपको स्कूल में ही करोगी, हम लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे। इधर देखो, उधर देखो, घूमो। तुम बोले क्यूट। और ये आ गया लोकल मॉडल। लोकल मॉडल, लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर आगे देखो, फिर पीछे और देखो। निकल लो, निकल लो। बंद करो, बंद करो कैमरा, बंद करो कैमरा, बंद करो। ठीक है, हाँ देख ले, कट 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 कट। चूड़ियाँ, चूड़ी वाला कोई गाना बताओ, बोले चूड़ियों के अलावा। चूड़ी बताओ। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। कौन सा? तेरे हाथों में पहना के चूड़ियाँ। और आगे बता तो।
बंजारा ले गया। आप लोग भी चूड़ी वाला गाना बताओ कमेंट सेक्शन में, और अम्मी को तो अभी बहुत सारी लिस्ट आती है। चलो मैं तुम भी बता दो कोई चूड़ी वाला गाना आता है। हाँ के मनो नो चूड़िया। ओ मामा तुम तो बाजी देखो, हाथों में नौ नौ चूड़िया है। अम्मा तुम्हें कैसे याद था, कहाँ सुना था? सब हो दिया ये बंजारा का चिन्ह, हाथों में नौ नौ चूड़िया। और आगे आगे बस अल्लाह मालिक, आगे अल्लाह मालिक। फ्रेंड्स अभी इस वक्त 12 बजने वाला है, मैं फिर से ऊपर आ गई थी, मुझे एक इंस्टाग्राम की स्टोरी बनानी थी ना, आज मैं बाहर गई। स्पेशली मुम्बरा वालों बहुत सारा प्यार, कितने दिल वाले हो, कितने दिल वाले, मैं तो उसी की खुमारी में हूँ, इतना ज्यादा प्यार मिला। थकान थोड़ी थोड़ी हुई है क्योंकि अब से हमने सारी चीजें शुरू कर दी है, मेडिसिन स्टार्ट हो गई है पीसीओडी वाली, और उसके बाद एक और जो हमने आपको बताया रिपोर्ट में आपने देखा कि क्या बोलते हैं प्रोलैक्टिन की भी दवाई इंशाल्लाह कल से चालू हो जाएगी। तो अभी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप सबकी दुआओं का बहुत सारा थैंक यू। अब मैं चलती हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।